आप देख रहे हैं देश खबर 24 और वक्त है खबरों का। देश और प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर के बीच कॉलेजों में ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन परीक्षा की मांग को लेकर छात्र लगातार लामबंद है। रीवा के अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में आज एक बार फिर NFCI के छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर जमकर हंगामा किया। यहाँ NFCI छात्र विश्वविद्यालय के मुख्य गेट पर बैठकर विश्वविद्यालय प्रबंधन सहित उच्च शिक्षा मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। NFCI छात्रों की मांग है कि कोरोना काल में छात्रों के हित को देखते हुए ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन परीक्षाएं कराई जाएं। उनका कहना है कि कोरोना की तीसरी लहर में विश्वविद्यालय के कुलपति सहित कॉलेजों के अन्य प्रोफेसर भी कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं, जिसके चलते कॉलेज सहित विश्वविद्यालय के छात्रों में कोरोना का भय सता रहा है और इसी के चलते छात्र ऑनलाइन परीक्षा यानी ओपन बुक प्रणाली पद्धति से ही परीक्षा कराने की मांग पर अड़े हुए हैं। यहाँ विश्वविद्यालय के मुख्य गेट पर आज प्रदर्शन कर रहे NFCI छात्रों ने न सिर्फ जमकर हंगामा किया बल्कि उच्च शिक्षा मंत्री का पुतला दहन करते हुए जमकर नारेबाजी भी की है। छात्र अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन पत्र भी सौंपने जा रहे हैं, जिसमें विश्वविद्यालय से इस संबंध सभी कॉलेजों में ऑनलाइन परीक्षा कराने की मांग की गई है। फिलहाल विश्वविद्यालय में NFCI द्वारा किया गया यह प्रदर्शन अभी भी जारी है।